वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलिंग आइकन। आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 3 वीडियो आप लोग करने जा रहा हूँ। ये एक्सीडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं इस वीडियो में अपलोड करूंगा। सो गाइस, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखे ताकि आपका एक्सीडेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आज के वीडियो का मेरा पहला क्वेश्चन है, माइंड में ऐसा एक्सीडेंट जिसके कारण किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उस एक्सीडेंट को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अगर माइंड में किसी व्यक्ति का किसी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है तो उसको हम लोग फैटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजास्टर किसे कहते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है कि माइंड में अगर मान लीजिए इनंडेशन हो गया या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन हो गया, फायर डैम एक्सप्लोजन हो गया, उसमें अगर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे डिजास्टर कहते हैं। 10 या 10 से अधिक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे हम लोग डिजास्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवांटेड इवेंट की संभावना को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है एनसीएल में। अनवांटेड इवेंट की संभावना को हम लोग रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति चोट लगने के कारण 24 घंटा से अधिक बट 72 घंटा से कम समय के लिए अपने ड्यूटी में एब्सेंट हुआ है तो उसको क्या कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया मान लीजिए काम के दौरान, वो 24 घंटा से अधिक बट 72 घंटा से कम समय के लिए अगर अपने ड्यूटी में एब्सेंट होता है तो उसे हम लोग माइनर इंजरी कहते हैं, माइनर इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, माइनर इंजरी का नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाता है। माइनर इंजरी जो हम मान लीजिए एक साल में जितना माइनर इंजरी होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको साल में भेजा जाता है, तो माइनर इंजरी का नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाता है, फॉर्म के में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर इंजरी का नोटिस कौन भेजता है। आपके माइंस में जो भी माइनर इंजरी होता है उसका नोटिस जिसको फॉर्म के में भेजा जाता है वो कौन भेजता है। ओ ए एम ऑनर एजेंट और मैनेजर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर इंजरी का नोटिस किसे भेजा जाता है। माइनर इंजरी का नोटिस OAM के द्वारा आपको CIM को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनर इंजरी का नोटिस कब भेजा जाता है। जो भी माइंस में आपको माइनर इंजरी होता है उसको एवरी ईयर 20 जनवरी को भेजा जाता है। एवरी ईयर 20 जनवरी को किसे भेजा जाता है, CIM को। कौन भेजता है, माइंस में माइंस के ऑनर एजेंट और मैनेजर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एक्सीडेंट किसे कहते हैं। मेजर एक्सीडेंट का मतलब है माइंस में एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 4 से लेकर 9 तक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है या डेथ हो गया है तो उसे मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। 4 से 9% की डेथ हो जाती है तो उसे मेजर एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब है माइंस में एक ऐसा इंजरी जिसमें 72 घंटा से अधिक समय के लिए अपने ड्यूटी में एब्सेंट हुआ है, 72 आवर से अधिक समय के लिए ड्यूटी में एब्सेंट हुआ है। रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगा है जिसमें वो 72 घंटे से अधिक समय के लिए अपने ड्यूटी में प्रेजेंट नहीं हो पाया, एब्सेंट है, तो उसको हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस किस फॉर्म में भेजा जाता है। तो जो भी इसका नोटिस रिपोर्ट मेंटेन किया जाता है वो फॉर्म जे में भेजा जाता है। रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस किस कितना दिन में भेजा जाता है। रिपोर्टेबल इंजरी का आपका जो भी नोटिस आप CIM को भेजते हैं वो क्वार्टरली भेजा जाता है, एवरी थ्री मंथ में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस किसे भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रिपोर्टेबल इंजरी का नोटिस CIM को कौन भेजता है, ऑनर एजेंट और मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीडेंट प्लेस को कितना समय तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि माइंस में मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें जब तक चीफ इंस्पेक्टर ये सब जांच करने नहीं आए
तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कितना समय दिया है, पार्ट बोल रहा है इसमें, अगर किसी आदमी को आपको जिंदा बचाना है या लाश को निकालना है तब आप एक्सीडेंट प्लेस को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जनरली कितना समय तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, 72 घंटा तक। अगर 72 घंटा तक अगर उस एक्सीडेंट प्लेस पर आ रहे हैं, मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अगर जांच करने नहीं आया तो जगह पर आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइन में एक्सीडेंट के कारण अगर पैर टूट गया है तो ये कौन सा इंजरी कहलाएगा। माइंस में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसके कारण किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है या कान का हड्डी मतलब हाथ के उंगली टूट जाते हैं या कट जाता है, वो सुनने या देखने की शक्ति उसका मतलब उसका खत्म हो जाता है, ये सारे इंजरी सब क्या कहलाएगा, ये सीरियस बॉडी इंजरी। मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें जितना तरह का इंजरी है वो सब मैंने डिटेल मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितना दिन के अंदर उसका जांच किया जाता है या जांच करेगा। इसका आंसर है 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर। सो गाइज, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।